तो आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपने नेदर को पूरे चेरी ब्लॉसम में, जिसमें हमारे तीन मेन गोल्स होने वाले हैं। पहला, एक बढ़िया सा घर होना चाहिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरिया में। सेकंड, एक नदी होनी चाहिए। थर्ड, एक नेदर पोर्टल जहाँ पे केव भी होनी चाहिए। तो लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। ओके, तो हम नेदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ जगह ढूंढने जिसको पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो लेट्स गो, उड़ते हैं यहाँ से। पहले तो थोड़ा सा रॉकेट वगैरह है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को ना कोई ऐसा कवर्ड सा एरिया चाहिए जहाँ पे मैं लाइक कर पाऊँ। पहले मैं यहाँ से सारी चीज लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं घूम जाए। मुझे एक चीज चेक करने का, डर्ट लगाता हूं और मैं यहां पे ये लगाता हूं। क्या ये कन्वर्ट होगा? एक काम करते हैं, चलो इनको रिप्लेस कर देते हैं थोड़ा सा जल्दी से। चलो इसी के ऊपर ही बना लेता हूं, वो ज्यादा बेटर है। रिप्लेस करने से अच्छा इसके ऊपर बना लेते हैं और रॉकेट साइड कर देता हूं ताकि ये वेस्ट ना हो जाए गंदे। चलो लेट्स गो। पूरा भर देंगे इसको और यहाँ पे आई गेस अभी पहले पेड़ उगाना ना, बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेड़ तो हमने मैन्युअली उगाने हैं, तो ये तो है नहीं कि हमें टाइम देना है इनको। तो पेड़ उगाना बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पे डर्ट ही लगाते हैं सारी की सारी। और अब दिक्कत ये है कि डर्ट मेरे को थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी, बिकॉज मैं लाइक डर्ट ले आया हूँ ना कि ग्रास लोग, तो वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है अपने को। ओके, तो हमारा टॉर्च है, मतलब कोई भी लीजिट कोई भी हम लाइट सोर्स दे सकते हैं और उससे हमारा काम चल जाएगा। सीधी सी बात है, तो ठीक है लाइट सोर्स दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलो हमारा काम बहुत बढ़िया बच गया यार, इससे मैं मर नहीं रहा गाइस इस बार। डोंट वरी, आई होप कि मैं ना मरूं यहाँ पे। अगर मैं मर गया तो मैं बहुत रोऊंगा, बट लेट्स होप कि हम नहीं मरेंगे यहाँ पे। तो फिर एंड पल तो चलो है ही, वैसे तो मैं गेम लीव ही कर दूंगा प्रेली अगर मैं गिरता हूं तो, ताकि मेरे को फोल डैमेज ना लगे। बट ठीक है चलो, हमारा कितना एरिया बन गया देखते हैं। अभी तो बहुत कम ही बना यार, अभी तो बिल्कुल भाई 1% भी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। साला अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। चलो करते हैं जल्दी से मेहनत भाई। साइड हो जाओ, मान गए, ओ सारे साइड हो गए। अरे भाई साहब क्या बात है, तो बड़े लोंडे हैं, इनको मेरी आवाज आ रही है क्या? नाइस, मेरे बोलते साइड हो गए, अच्छा इंसान है यार। अगर ड्रा तो हो जाते हैं, इसका मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? दूर रहे, ठीक है ओके, दूर रहियो। होपफुली ये वाला बंदा काम ना खराब करते हमारा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा हमारा काम खराब कर सकता है, जो है वो उड़ता गुब्बारा। भाई भाई तुम सामने ना हो, अगर तुम गलती से भी पिट गए ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरा एम तो है टट्टी। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट जिंदा तो हूं मैं, चलेगा मुझे। अब ये वाली ये जल्दी से उग जाइयो बस, वरना दिक्कत हो जाएगी। वो यहाँ पे और डर्ट भी डर्ट कह रहा, सॉरी लाइट और लगानी पड़ेगी। एक तो ये हर जगह पे खड़े हैं गधों की तरह, भाई मजदूर को मजदूरी करने दो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। फाइट जाओ, थैंक यू। चलो फिर मजा आएगा भाई इसको एक साथ चेंज होते हुए देखने में। देख रहे सर, देख इधर कैसे देख रहे तू? अच्छा हुआ बग्गिया वरना बहुत मारता। हाँ चलो अभी के लिए ये लगा लेते हैं, जब वो वाले हमारे चेंज हो जाएंगे ना तो इनको इधर लगा लेंगे। चलो अभी यहाँ पे हमारी थोड़ी सी डर्ट हो चुकी है, आप इसको इस साइड वाले को कन्वर्ट करता हूँ मैं जल्दी से। डर्ट हमारे पास आई पड़ी तो उससे हमारा काम हो जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, यहाँ मैं खाई तो नहीं बनाने वाला, तो इसको ना मैं ऐसे कवर कर देता हूँ, इस खाई को ऐसे पूरा कवर कर देता हूँ मैं। बस अब गलती से भी मेरे को इनको माइंड नहीं करना, बिकॉज अगर मैंने माइंड करना मैं नीचे लावा पूल में गिरूंगा, तो वो हमें गलती से भी नहीं करना, वरना फिर ना बहुत 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 गंदी मौत मरूंगा मैं। तो यस हमें ट्राई करना है कि गलती से भी हरकतें नहीं करनी। इनको मैं काम रहा, तो ये केव भी बनाएंगे, हम केव भी बनाएंगे अच्छे से। थोड़ी सी छोटी हो जाएगी ये, बिकॉज हम इनके ऊपर ही लगा रहे हैं, बट ठीक है क्या दिक्कत है, केव तो केव ही है। हमें केव ऐसे स्टोन से बनानी चाहिए, अभी के लिए डर्ट लगा देते हैं। स्टोन अगर मैं लेके आ गया तो शायद से स्टोन से भी केव बना देंगे। इधर वाले को कवर कर सकता हूँ क्या मैं? ये वाला हमारा एरिया डन हो चुका है, ये वाली दीवार भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जो फ्लोर बना दिया वो बढ़िया कर दिया हमने, अब इसको भी कवर कर ही देता हूँ ताकि गलती से गिर ना जाऊं मैं। बोल स्टोन की कर देंगे यहाँ पे। अभी मेरा प्लान ये भी है, अभी हम यहाँ पे वॉटरफॉल टाइप चीजें भी बनाने वाले हैं। अकेला नॉर्मल सिर्फ ग्रास और सिर्फ पेड़ लगा के नहीं बच जाएंगे, घर तो बनाएंगे बनाएंगे और भी और चीजें भी करने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया होने वाला है। थोड़ी सी डर्ट की लगाएंगे, थोड़ी सी स्टोन की लगाएंगे, तो मतलब हमें स्टोन भी लेके आना पड़ेगा, वो भी करते हैं। ये यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, इसके नीचे अलग लोग तोड़ना पड़ेगा ये सपने को। चलो यहाँ पे हमारा फ्लैट हो चुका है, बढ़िया। नहीं भग जा, भग जा, रहने दे रहने दे। ओ गंद पा दिया, गंद पा दिया। अरे यार ये नल्ली की बच्ची रे, गंद पा दिया यार। अरे यार चलो कोई ना यार, इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यार अपने को। अभी तो यार अभी तो हमने स्टार्ट किया बनाना और ये बहन के बच्चे आने भी लग गए यार, ये बहुत मुश्किल होने वाला अपने लिए। चलो हमारा, मैं यही ढूंढ रहा था, मैं अभी काम गुम हो गए। एक पेड़ उगा देते अपने यहाँ पे, बिकॉज वाई नॉट, मेरे को एक पेड़ लगा के देखने की कैसा लगेगा। एंड लेट्स गो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 भाई उगने नहीं वाला, भाई उग क्यों नहीं रे? हेलो ये उग क्यों नहीं रे, ये उग क्यों नहीं रहा? अब इसको क्या मौत आ रही है, ये उग क्यों नहीं रहा? देखो मैं बोलने की कोई कमी नहीं है, तो अगर ये वेस्ट होती भी है लाइक 1-2 स्टैक या 10 स्टैक भी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उग गया,
हो, पहला पेड़ उग गया हमारा, लेट्स गो। ये बेटे क्या बात है, तो हमारा पहला पेड़ तो उग चुका है, गुड जॉब, क्या बात है। आई थिंक ये हाइट का ही सीन था। चलो एटलीस्ट हमारा पहला पेड़ उग गया। अब हमें स्टोन लेके आना है इस चीज के लिए, तो हम पहले बहुत सारा स्टोन लेके आएंगे। लो यहाँ पे पूरा प्लेन फील्ड बनाएंगे, हमारा ये प्लान है। इन सारी जगहों पे पेड़ लगेंगे, जो पूरी प्लेन फील्ड होगी ना उसमें थोड़ा सा ऊबर खाबड़ भी बनाएंगे, एंड वहां पे अपना घर वगैरह वाला सीन भी करने वाले हैं। तो आई थिंक वो बढ़िया बन जाएगा अपना। इसका बनना तो देखो बढ़िया चाहिए यार, जहां तक मेरे को लगता है। इसको मेरे को थोड़ा सा सेक्सी करना पड़ेगा, ये आई थिंक हमारी डर्ट कुछ वेस्ट हो सकती है, होपफुली ना हो तो बेटर होगा, बट ठीक है। ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ी सी डर गिरेगी यार, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर दिया, बट ठीक है। अभी ये वाला छत को तोड़ दूं या फिर थोड़ा सा इसको पहले बड़ा करता हूं, थोड़ा सा इसको तोड़ना पड़ेगा ताकि मेरे पेड़ भी सके। और देखो हमारा प्लान यह है कि इस साइड कहीं पे हमारा वो बनने वाला घर, ठीक है, ठीक है। और हम एक यहाँ पे नदी भी बनाने वाले हैं इसके बीच में, तो यहाँ पे हमारा पूरे भी यहाँ पे एक नदी बहेगी, ये वाले गड्ढे में हम पूरा भर देंगे नदी को, ठीक है। एंड इसके इस साइड हमारा घर होगा, इस साइड हमारा आएगा थोड़ा सा बगीचा टाइप होने वाला है जिनमें हम बहुत सारे पेड़ भरने वाले हैं। एक काम करता हूँ, इसको भी तोड़ देता हूँ और ऐसे भर देते हैं, ठीक है। आई थिंक जो मैं सोच रहा हूँ वो सही चल रहा है। इसको मैं पूरे भी पूरा कंप्लीट कर ही दूंगा, क्योंकि ऐसे खाली तो खुद ही लग रहा है, तो ये कंप्लीट कर देंगे हम इसके बाद। चलो अभी के लिए तो पहले मैं ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे होपफुली। चलो अरे स्टोन कहाँ जाई जा रहा है, आ ना भाई इधर, इसको लगा देते हैं उधर, जाएगा ओके नहीं जाएगा, चलो इधर भी नहीं जाएगा नल्ला, क्या तकलीफ है इसको भाई। एक तो ये मैनुअली करना बहुत मेहनत वाला काम है यार, एक तो हम उड़ भी नहीं सकते इसमें, लेविटेशन टाइप चीज होनी चाहिए अपने पास। ओ भाई कितना सेक्सी लगेगा ब्लू कलर का, ओ माय गॉड नाइस, अच्छा लग सकता है। अच्छा यहाँ तक तो मैं जा नहीं पा रहा, ओके हो गया हो गया हो गया, ओके इधर मेरे को नीचे से करना पड़ेगा, बहुत नीचे से कर देंगे। ये हम एक तरह से केव टाइप कर रहे हैं अभी को, इसको डिजाइन यहाँ पे हमारा लाइक, इसको एक काम करता हूँ, नीचे लौटने ना गुस्से हो गया मेरे से, इसको मैं ऐसे तोड़ ही देता हूँ, और इस वाली छत को हम लाइक ब्लू टाइप करेंगे अभी के लिए। अभी के लिए इसको स्टोन से कवर कर रहा हूँ मैं, इसको एक तरह से एक छोटा सा केव टाइप बना रहे हैं। चलो ऐसा होगा, ये वाला हमारा लाइक छत होने वाली है। इस वाले को कंप्लीट कर देता हूँ एक बार, 3 4 5 6 7, अरे हक दिया थोड़े से आप, कोई बात नहीं, ए मारो मत ओए नीचे वाले लोंडो मेरे को, ओ मार मत ओए। चलो एक सही रुको, पहले इनको पेलना पड़ेगा आई थिंक हमें। साड़ो बैठो, क्या कर रहा साड़े, भग जा भग जा भग जा, गुड जॉब। चलो अब ये जो हमने ऊपर से थोड़ा सा हगू हगू किया उसको फिक्स कर देता हूँ मैं, ऐसे कर लेते हैं इसको, अबे जान अब लोक। चलो ये वाला हमारा डन हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाले साइड भी हमारी डन हो जाएगी इससे। चलो अब ये वाला कंप्लीट कर देता हूँ मैं एक बार, एंड आई थिंक हमारा ये वाला कोना तो कम्प्लीट हो जाना चाहिए। चलो अब एक मैं इसको तोड़ देता हूँ, ओए मार गिरे हद्दोगी भाई तुम्हारी। अभी ये वाला हमारा डन हो गया, इस वाली जगह पे हमारा स्काई बनने वाला है, तो इन सबको तोड़ देते हैं अभी के लिए, जब यहाँ पे सैंड लगेगी तब की तब देखेंगे, सैंड सॉरी वो डर्ट। चलो अभी ये वाला हमारा ये वाली साइड हमारी काइंड ऑफ डन हो चुकी है, ये वाली साइड हमने डन कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा रहता है तो इसको भी फिक्स कर देता हूँ मैं जरा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक तो ये पेड़ ताला बड़ा नल्ले तरीके से हो गया, नो 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 नो, बस आई थिंक इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। इस पेड़ के आसपास तक कुछ पत्थर ऐसे हैं जो स्टोन नहीं है, तो होपफुली वो ना ही दिखे तो बेटर है, पेड़ पे छुप ही जाएंगे वो तो, आई थिंक दिखने तो नहीं चाहिए, ठीक है आई गेस काम तो चली जाए अपना, मैं तो हमें चीजें छुपानी है, कोई भी नेदर एक टाइप नहीं दिखना चाहिए और क्या ही है। चलो तो इधर आ जा, इसको ऐसे करते हैं और इसको यहाँ से भरना स्टार्ट कर देते हैं। लो हो गया बढ़िया, अभी आई थिंक ठीक है एटलीस्ट पहले से। तो इसको मैं ऐसे यहाँ से बंद कर देता हूँ और मेरे ब्लॉक्स थोड़े से इधर आ जाओ तो मैं दुखी नहीं हूँ। आई थिंक हमारा ये वाला साइड भी सही हो चुकी है, यहाँ पे ये वाली है स्काई हमारा इससे ऊपर वाले में बनने वाला है, तो इसको इससे भर देता हूँ मैं। ओके उधर से नीचे वाला भी कवर कर देंगे, ठीक से इसको ऐसे तोड़ ही देता हूँ मैं, वो ज्यादा बेटर है। चलो आई थिंक हमारा ये वाला एरिया सेट हो गया, ये दो रहते थे, ओके आई थिंक ये वाला सही हो गया। चलो तो ये वाला भी हमारा सही हो चुका है, यहाँ हमारी रूफ आई है तो इसको तोड़ के आगे निकलते हैं। चलो हो नाइस, तो हमारा ये वाला एरिया जो है पूरा काइंड ऑफ कंप्लीट हो चुका है छत के अलावा, तो ये सही है, ये सही हो चुका है, हाँ ये भी सही हो गया हमारा, बस इधर छत ही रहती है तो आई थिंक सही है। चलो ये हमारा हो चुका है, अब मेरे को यार डर्ट वगैरह भी लेके आने हैं, तो मेरे को आई थिंक वापस जाना पड़ सकता है और छत का भी जुगाड़ कर दे या। लेट्स सी, पहले काम करते हैं यहाँ पे घर बना देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्लान जो है यहाँ पे नदी बनेगी, तो नदी तो जब बनेगी तब बनेगी, एक साइड घर एक साइड पेड़, तो एक साइड पेड़ लगा देता हूँ पहले मैं पेड़ के सैपलिंग्स ले आता हूँ। चलो अभी ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ उगाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे साइड, 1 2 3 4 5 उग गया, दूसरा पेड़ आ चुका है हमारा यहाँ पे, तीसरा हम यहाँ पे नदी होने वाली, तो नदी के किनारे लगा देते हैं। ग्लोसो आई थिंक हटाना पड़ सकता है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ इसको इधर करता हूँ और इसको इधर करता हूँ, जहाँ पे दो जगह पे लगा देते हैं। ये वाला तो उगने नहीं वाला इस साइड क्लियरली, इधर उग जा, ओके ठीक है यहाँ उग गया, तो हमारे इधर पेड़ तो उग चुके हैं। अब ये डर्ट जल्दी से बन जाए तो मजा आ जाएगा, तो हमारा घर जो है इस डायरेक्शन में बनने वाला है ना, तो यहाँ पे दो पेड़ इधर लगाते हैं, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, लेट मी सी जस्ट, कुछ चेक कर रहा हूँ मैं,
और एक दो ऐसे, और इसको हमें ऐसे करने का है, और यहाँ पे हमारी खिड़कियां आ जाएंगी। चलो गुड, तो हमारा पहला घर बन रहा है भाई माइनक्राफ्ट का। हाँ तो हमारा ये हो चुका। अब पहले मेरे को यहाँ पे थोड़े से प्लैंक्स वगैरह भी चाहिए जो हमारे पास पड़े हैं, लेकिन दिक्कत यह मैंने थोड़ा सा हग्गू कर दिया तो मेरे को इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भूल गया था कि जो हमारा घर है वो थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे ना कि इधर गधे। तो हमें इसको एक काम करता, मैं बोन मिल फैन करता हूँ, हमारी इन्वेंटरी बहुत भर रखी है यार। अभी पहले मेरे को इन सबको वापस से तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने थोड़ा सा गलती से इधर को बना दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना है अपने को। चलो तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच बनने चाहिए ये, पांच क्राफ्टिंग मैं सुना लेता हूँ पहले, मैं जो मेरे पास आई थिंक पड़ा है, बट कोई बात नहीं, एक और बना लेते, क्या ही दिक्कत है। लेट्स गो, और यहाँ पे बनाते सीढ़ियाँ इसकी, तो चार से ज्यादा चाहिए हो सकती हैं, तो आई थिंक इतनी चाहिए भी नहीं होगी, ठीक है। तो सीढ़ियाँ हमारे तीन ही चाहिए थी वैसे, तो एक दो और तीन। चलो तो हमारी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, तो आई थिंक ये सही हो गया। और अब हमें यहाँ पे इस पे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ और इस पे मैं ऐसे बनाता हूँ, मैं नीचे कुछ तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने तोड़ दिया तो लावा में गिरेंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा डन हो लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें फुद्दू वाले ब्लॉक्स लगाने हैं, ये वाले हमारे फुद्दू वाले ब्लॉक्स हैं, ऐसे लगेंगे ये नल्ले, और सेम चीज हमें इसके साथ ऐसे करनी है। यार ये एक काम करता हूँ, इसी इस पे करता हूँ मैं, हाँ इनका लाइक टेक्सचर जो है ना इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर दिखेगा। चलो अब यहाँ पे इसको नंगा करना पड़ेगा मेरे को, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको तोड़ देते हैं। चलो इस साइड हमारा काम हो जाना चाहिए, एक काम इसको लगा ही देता हूँ मैं। हाँ ओके तो यहाँ पे हमारा डोर रूम बनेगा, तो क्या होता है मैंने फ्लोर भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, जहाँ पे वेस्ट नहीं करना। अब देखो हमारे एक तरह से दो लेयर हो चुका है, तो अगर मैं इसको तोड़ भी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली अपने को, तो ठीक है काम चलेगा काम चलेगा काम चलेगा। चलो इतना बड़ा घर आई थिंक बहुत होना चाहिए अभी के लिए, हम ज्यादा ज्यादा बड़ा घर बनाने नहीं वाले। तो हमारा दरवाजा काम कर रहा है, तालियां, ये हमारा घर बन रहा है भाई, पहला घर माइनक्राफ्ट में, और क्या चाहिए। अब मैं ऊपर कैसे जम मारूंगा ऐसे आई गेस, अरे कर भाई 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 प्लीज भाई भाई प्लीज भाई, चलो क्योंकि मेरे को इसमें चीजें तोड़नी पड़ेंगी अभी के लिए। चलो एक दो तीन चार पाँच छः, आई थिंक इतना बहुत होना चाहिए, इतना अपने को लगेगा नहीं बट आई थिंक इतना बहुत होगा। चलो अब ये काम करते हैं, इनको ऐसा कर देते हैं और इसको ऐसे, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। अब ये जो लगे हुए हैं, एक बार अगर ऐसे कर देता हूँ मैं, तो आई थिंक हमारा काम चल जाएगा। यस आई थिंक हमारा काम चल जाएगा, हमारा जो घर है वैसे सिंपल बन जाएगा, ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं होने वाला। चलो भाई कहीं तुम उम्मीद लगा के बैठो कि ये तो भाई कुछ आग लगा देगा, नहीं आग नेदर में आग नहीं लगा रहा मैं। ओके इसको भर देता हूँ मैं पूरा, एंडिंग भी हमारे घर की ये है, छोटा घर है आई नो बट ठीक है। ओके ये एक उपसी, ऐसे नहीं करना था, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना था, ऐसे कर देते हैं। चलो तो अभी ये हमारा हो चुका, एक हक दिया बट कोई बात नहीं, एट डेट हुई तो चो कोई। चलो लो ये हमारा डन हो गया, ये हमारी एंट्रेंस होने वाली है, अभी जल्दी से ये ग्रीन हो जाए ना तो मच बेटर होगा, तो ज्यादा लाइक 50 गुना ज्यादा बेटर दिखेगा, बट ठीक है। अभी इसको भी तोड़ देता हूँ मैं जल्दी से, इसको उगा दे। ओके अब मेरे को इसको नंगा करना पेड़ को, तो लेट्स गो पेड़ को नंगा मारते हैं, ज्यादा की जरूरत भी नहीं आई थी मेरे को, आई थिंक इससे हमारा इतने से काम चल जाएगा, इतने इससे ज्यादा लीव्स मेरे को चाहिए भी नहीं होंगे, तो चलो 23 लीव से काम चला लेंगे। लेट्स गो, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा सेक्सी बना लेता हूं मैं। चलो यहाँ पे हमारा ये हो गया सेट, अभी जल्द से इन सबको भी उठा लेते हैं फुल स्पीड में, एंड तू भी आ बेटा। चलो अभी इसको भर देता हूँ मैं इस साइड को, और यहाँ से हमारा जो काइंड ऑफ घर वाला डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं, पूरा तो नहीं अभी तो बहुत टाइम है उसको बनाने में, और हमें सामान भी चाहिए होगा, लेकिन ठीक है काइंड ऑफ हो जाएगा। चलो ओके तो हमारा घर जो है ऐसा दिखने वाला है, यहाँ पे ग्लास लगे हैं, यहाँ पे भी और चीजें भी लगने वाली हैं। काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ये कर सकता हूँ ना, ऐसा करना है मेरे को, डिजाइन सेक्सी हो रहा है, मैं यहाँ से गिर ना जाऊं, लावा में गिरूंगा बहुत तगड़े तरीके से, तो वो नहीं करना अपने को, और यहाँ पे पैटर्न लगा लेते हैं। चलो ओके ज्यादा नहीं लगानी, थोड़ी कम भी नहीं लगानी, और यहाँ पे यार ग्रीन हो जाना यार एक बार, क्या कर रहा है यार जल्दी से उग जा यार यहाँ पे, जब तक मैं और साइडों में लगाता हूँ चीजें। चलो इसको भी मेरे को पूरा पैटर्न से भरना है अभी, तो बोन मिल भी लेके चलते हैं, वहां पे बोन बहुत सारा दिख रहा है, तो वहां से बोन मिल तो मिली जाना चाहिए अपने को, ठीक है आई थिंक इतना बढ़िया है अभी के लिए, तो अभी तक के लिए तो देखो ठीक लग रहा है, अभी हम इसको और बढ़िया बनाएंगे बट अभी के लिए ठीक है। चलो अब इसको यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ तो ओके सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्शन बन चुका है, क्या बात है। हमारा घर जो है काइंड ऑफ बढ़िया लग रहा है, मेरे को उसका बैकग्राउंड को नॉर्मल ही कर दूंगा मैं, बिकॉज आई थिंक इसमें तो हमें ज्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, तो भाई चलो एंड लेट्स गो, तो बैक हमारी डन हो चुकी है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ एक लोग और, एंड लेट्स गो। तो हमारे यहाँ पे घर जो है कंप्लीट हो चुका है, एटलीस्ट एक ग्लास को छोड़ के बाकी सब लग चुका है, बस यहाँ पे दो ग्लास लग गए तो हमारा घर जो है वो बिल्कुल सेक्सी हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये नंगा क्यों रखे भाई, तो हमारे यहाँ पे घर बढ़िया हो गया, ठीक है अंदर से भी सेक्सी लग रहा है। चलो तो हमारा घर भी हो गया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे डट वट भी हो चुकी है, बहुत कुछ अभी कंप्लीट करूंगा घर के अंदर भी, मैं चीजें बनाने वाला, डेकोरेशन वगैरह करेंगे, डेकोरेशन वगैरह कर देंगे गाइस डोंट वरी। मादर मेरे पेड़ क्यों तोड़ रही है तू, क्या दिक्कत है, कहीं आग तो नहीं लगी? नहीं लगी थैंक गॉड भाई, ये डायन को कुछ चुप करवा दो यार।
प्लीज छीना जाए यार, ऐसा ना कर भाई के साथ। चलो अभी ये कंप्लीट करते हैं, लाइक करो। यस बस हमारा अभी यहाँ पे दो तीन चीजें रहती है करनी। एक हमारा मेन फ्लोर छत है और दूसरा हमारा मेन है फ्लोर नहीं सॉरी पानी वाला काम। तो पहले पानी वाला काम कर लेते हैं और इससे हम बनाएंगे अपनी नदी। तो ये हमारी नदी बनने वाली है, तो इसको पहले मैं कवर कर देता हूँ पूरा का पूरा। ये हमारा पानी है गाइस बाय द वे। और भाई बस खत्म भी होगी इतनी जल्दी? भाई ऐसा ना करो यार, इतनी जल्दी भूल खत्म भी होगी हमारी, क्या मजाक है ये। एक दो तीन चार पांच, ओके ये क्या देख लिया मैंने, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे भाई तुम मर क्यों नहीं रहा, अरे भाई तुम मर तो। नदी के आगे मेरे को सैंड भी लगाने, तो मैं यहाँ पे सैंड भी लेके आता हूँ थोड़ी देर में। और ग्लास तो मैं लेके आने गया, तो वो तो चीजें भी लेके आता हूँ मैं। और यहाँ मेरे को थोड़ी सी और आई गेस वूल की जरूरत है तो नहीं, यहाँ मैं सैंड लगा दूंगा और हमारा काम चल जाएगा। इसके किनारे किनारे हम थोड़ी सी सैंड लगा देंगे, उससे काम चल जाएगा। चलो ओके, तो हमारा ये सब हो चुका। अब हमारा 99% मेरे को लग रहा है डन हो चुका है, बस हमारा आसमान रहता है। अगर इधर से देखते हैं तो इधर से मैं बंद कर देता हूँ। और दो और, अरे यार भूल तो है ही नहीं अपने पास। और एक तो यहाँ लगा देता हूँ और दो से ऐसे हो गया। ओके मच बेटर। कहाँ पे उग सकते हैं, यहाँ उग जाएगी क्या? आई थिंक लग तो नहीं रहा। ओके उगी, क्या बात है, लग तो नहीं रहा था बट सही है। यहाँ मेरे को भी ग्रास वगैरह भी लगानी है, वो भी लगा देंगे। तो इनको मैं ना ऐसे भर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी सैंड और लगा देता हूँ, और बोल लो ज्यादा तो इसके आसपास थोड़ी सी सैंड लगा देते हैं ताकि ये थोड़ी सी और वाटर की फील दे। मेरे को एक और चीज करनी है यहाँ पे, एक से मेरे को दो तीन अभी और चीजें रहती है वो भी करनी है। रुको गाइस यार मेरे को और बोन मिल की जरूरत लग रही है इस समय पे, सही तो मुझे लग रहा है और बोन मिल पड़ेगा अपने को। कितना पड़ा अपने पास, ऐसा भी पड़ा है बट आई थिंक और भी चाहिए हो सकता है। जितना हो सके उतना भरेंगे क्योंकि यही स्पैम करना अपने को यहाँ पे। और यहाँ पे हो सके तो एक दो और पेड़ उग जाए तो बेटर होगा अपने लिए। चलो चलो आप बताओ भाई, कोई कोई इसको देख के कैसे कह सकता है कि ये नेदर है? बता दो जरा मुझे भी, कोई इसको देख के कैसे बोल सकता है कि ये नेदर है? कोई बोल नहीं सकता अगर तुम उस बैकग्राउंड को इग्नोर करोगे और इस ऊपर वाले को इग्नोर करोगे तो कोई किसको देख के नहीं कह सकता कि ये नेदर है भाई। नाइस बढ़िया बना दिया यार हमने।